यार तो हेलो बनारस, वेलकम टू माय वर्ल्ड ट्रैवल बो स्प्रिट। तो अब मैं आ गई हूँ न्यू वीडियो के साथ। तो पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आई हूँ बनारस में सबसे फेमस जगह जो कि है 80 घाट। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि आप 80 घाट कैसे आएँ और यहाँ पे जो सारे घाट हैं वो मैं आपको दिखाऊँगी। और दूसरी चीज़ ये कि वैसे तो सुबह बनारस ज़्यादा फेमस है, लेकिन शाम में बनारस भी कुछ अपने में कम नहीं है। तो मैं आपको शाम में बनारस भी दिखाऊंगी और गंगा आरती जो कि सबसे फेमस चीज़ है बनारस की, जो कि दशाश्वमेध घाट पे होती है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक और बनारस के जो शाम बनारस है उसका मज़ा लेते हैं। और ये खूबसूरत हेलो बनारस और बनारस के बाहर के वासियों, तो हम आ गए हैं 80 घाट में, अपने बनारस की सबसे फेमस जगह पे। यहाँ आना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप रिक्शा पकड़ो, ऑटो पकड़ो, डायरेक्ट 80 आ जाओ, या फिर जो है वो आप लंका आओ। बस ये कि आप रिजर्व में मत आना, ऐसे आ जाना, ठीक है, शेयरिंग पे। अब हमें जाना है उस पार और आपको दिखाना है बहुत ही प्यारा नज़ारा, जिसको देख के आप ये दंग रह जाओगे कि वाह यार क्या नज़ारा है सच में शाम बनारस के, क्या ही कहने। तो चलो ये ओपन वाली नाव करते हैं और निकलते हैं उधर। तो यार हमें करना था, क्योंकि हमें सबसे पहले जाना है उस पार, तो हमें करना था ये ओपन वाली, क्योंकि हमने सोचा आपकी भाई ओपन वाली पे बैठ के चलते हैं। बट ये लोग बहुत ज्यादा ज्यादा बताते हैं, ब्लॉग भी नहीं बनाने देते। पहले लड़ाई हो गई, चलो। तो यार फाइनली नाव मिल गई है और अब हम लोग नाव पे बैठ गए हैं। बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त के बाद ये नाव मिली है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एक होती है बंद वाली, एक ओपन होती है। अगर आपको जो है वो बंद वाली करनी है तो उसके 50 रुपये लगते हैं, और अगर आपको ओपन करनी है तो उसमें आप शेयरिंग में भी जा सकते हैं और पर्सनल भी जा सकते हैं। बट क्या होता है ना, जो ओपन में जो मज़ा है सच में, जो शाम में बनारस देखने में जो मज़ा है ओपन में, वो अलग ही लेवल का है यार। तुम देखो मेरे पीछे का नज़ारा, ये सूरज जो पड़ रहा है पानी पर, तो कितना अच्छा यार लग रहा है सच में। तो अब हम लोग जा रहे हैं उस पार, वो जैसे मेरे पीछे ये टेंट हाउस है बनारस का, तो हम लोग उस पार जाएंगे और उसके बाद वहाँ पे जो है वो थोड़ी मस्ती वस्ती करेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे, फिर आपको सारे घाट दिखाएंगे और गंगा आरती साथ में दिखाएंगे। तो आप जब तक यार ये व्यू इंजॉय करो और सो यार तुम नज़ारा देखो यार, क्या ही नज़ारा हो रहा है। मतलब बनारस आओ यार, घूमो और शाम में बनारस का तुम नज़ारा देखो कि शाम में बनारस कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। सुबह बनारस तो और ज़्यादा ही अच्छा लगता है, उसको तो और ज़्यादा खूबसूरत है, बट शाम में बनारस की भी कोई बात नहीं है यार। देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये सूरज जो है वो साइड से दिख रहा है और सूरज डूब रहा है, और ये गंगा का ये नज़ारा सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं वो साइड पे और वहाँ पे चलते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी गंगा आरती और सारे घाट यहाँ बनारस के, और एंजॉय करते रहो यार मेरे साथ। यार तुम नज़ारा देखो शाम में बनारस का, कितना ही खूबसूरत नज़ारा हो रहा है सच में। भाग ले गए फिर कहीं, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और यहाँ पे भीड़ देखो, ये साइड में पहुँच गए हैं रेत पर, और ये उधर साइड पे टेंट हाउस है, और ये इधर साइड पे देखो पहुंच गए हैं। बस अब यहाँ से उतरते हैं, तो पहुंच गए हैं साइड में, अब साइड में उतरते हैं और फिर जो है वो इसके बाद चलते हैं यहाँ पे देखते हैं। ऐसे तो सिर्फ यहीं पे, यहाँ पे ये घोड़े घोड़े ये सब रहते हैं, तो यहाँ पे जो है वो आप घोड़े पर भी बैठ सकते हैं। यहाँ पे घोड़े पे बैठाते हैं और आगे चलते हैं। अरे भाई 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 क्या यार, फाइनली पहुंच गए हैं। और ये देखो तुम सीन मेरे पीछे का, क्या ही सीन हो रहा है इस टाइम। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और साइड में अब पहुंच गए हैं, अब जो है यहाँ पे
देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें कर सकते हैं। वो यहाँ पे आप घोड़े पर भी बैठ सकते हैं। भैया कितना प्राइस लगता है घोड़े का? 200 रुपया ये बोल रहे हैं घोड़े पे। कितना देर आगे तक जाते हैं? लंबा राउंड घुमाते हैं, लंबा राउंड किधर उधर पूरा वो पूरा उधर लेके जाएंगे। तो यार अगर आप चाहो तो यहाँ घोड़े पे भी बैठ सकते हो। बाकी जो है वो यहाँ पे ये ऊँट पे भी आप बैठ सकते हो, यहाँ साइड में हो। और यार देखो ये ऊँट है, इसके जो है वो कितने, 200 रुपये पर पर्सन। ये 200 रुपये पर पर्सन ऊँट की सवारी के लेते हैं। कितने घंटा घुमाते हो? 25 मिनट तक ये घुमाते हैं हम, 200 रुपये पर पर्सन। बाकी आप बार्गेनिंग करवा के अपना जो भी जैसे भी है आप कम करवा सकते हो, ऐसा नहीं है। यार यहाँ पे घोड़ा कर रहे थे, ये तो सब घोड़ा ही घोड़ा हो गया सब तरफ। तो आप ये इस पार से उस पार का नज़ारा देखो यार, शाम बनारस का क्या ही नज़ारा है। और खैर हमने घोड़ा कर लिया है तय, और 200 रुपये उन्होंने बोला था 80 में तय किया है, और कम में भी, और कम हो ही जाता, बट ठीक है यार छोड़ो। तो अब जो है वो ये राउंड लगाते हैं और हम जा रहे हैं। अब हम अपने घोड़े पर बैठेंगे, साथ में बैठेंगे, नहीं हम अकेले बैठेंगे। अरे इतना बढ़िया खूबसूरत व्हाइट और ब्लैक वाला यार, ये देखो ये घोड़ा मिला है हमको बैठने के लिए, और ये बहुत बढ़िया घोड़ा है, सबसे बेस्ट घोड़ा यही था ये वाला। अरे ये सब दीदी अभी किसी का कुछ खराब मत करो, सब अपने अपनी जगह सही है। हाँ चलो इसी में बैठ जाओ, थाम लेता अजय, अजय थाम लेता। लो भैया मेरी वीडियो बना। और यार ये देखो ये ऐसे घोड़े पे कसम से हमको बैठाया है, इसको हमसे क्या दुश्मनी है, बारी कितनी सटा सट ये हमको पूछ मार रहा है यार। भाई साहब घोड़ा मिला है हमको बैठने के लिए, और ये बहुत बढ़िया घोड़ा है, सबसे बेस्ट घोड़ा यही था, बेस्ट घोड़ा यही था। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा पीछे से। भैया यार किसे बोलो ना, मैं क्यों पूछ मार रहा है पीछे, मेरा हॉर्स सबसे ऊंचा यार। आपको सही बताया पतलू वाले हॉर्स बताया है, मगर यार आओ तुम 80 घाट पे और यहाँ साइड में आओ, और हम तो यहीं रहते हैं वैसे, बट कभी कभी अपने शहर को भी, शहर में भी इंजॉय कर लेना चाहिए। समझ गया वाली मदद यार, इन सब की वजह से हम भी डर रहे, मगर ऐसे नहीं है कि हम डरते वरते नहीं है, ऐसा नहीं है। और बाकी ये जो है पता नहीं क्यों हमें पीछे से पूंछ ही मारा चला जा रहा है। तो आप जो है वो हॉर्स करो, और यहाँ पे जो है वो आपको 100 रुपये बोलेंगे, बाकी आप बार्गेनिंग अपना करवा लो, आपको 70-80 रुपये में भी ले जाके राउंड करवा देंगे। ओके क्या क्या डिलीट किया है? कंट्रोल मेरे को, मेरे को तू रोकेगा यार, चल यार रोक ले बेटा जा। अरे यार दौड़ा भैया, पकड़ो तुम्हें कसम में, पकड़ो पकड़ो यार, पकड़ो यार गिर जाएंगे, क्या कर रहे हो भैया। उसी पार रहते हम, गंगा के उस पार रहते, गंगा के इस पार रह जाएंगे हम। ये देखो जब से हम इस घोड़े में बैठे, सच बता रहे मेरे एकदम पूंछ ही मारे जा रहा है, पता नहीं इनका घोड़ा कैसा है। चलते हैं, हो ही गया होगा हम लोग को 20 मिनट तो हो ही गया होगा आए हुए। अब यहाँ से निकलते हैं और घाट पे, और सारे घाट दिखाते हैं यहाँ पे, जो भी घाट आप नाव पे बैठोगे तो वो सारे घाट आपको घुमाते हुए ले जाएंगे लास्ट तक मणिकर्णिका तक। उसके बाद फिर दशाश्वमेध की आरती दिखाएंगे, फिर वहाँ से वापस यहाँ पर लेकर आते हैं 80 घाट पे। भैया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं चप्पू चलाने के लिए, बट भैया जो है वो मुंह में भरे हुए हैं जुबा केसरिया, इसलिए कुछ बोल ही नहीं रहे, हूं कर रहे हैं। तो आप पहले यहाँ का नज़ारा देखो, शाम हो गई है और बस गंगा आरती स्टार्ट होने ही जा रही है। तो बट हम गंगा आरती दिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि भाई नाव का भी तो पैसा निकालना चाहिए ना। दिस इज बिजनेस। तो यार इस बोट पे हम लोग गए थे, और ये भैया हैं सुदामा भैया, जब भी आओ अगर बनारस तो ये ओपन बोट इनकी है, इनसे जो है वो इनका कॉन्टैक्ट नंबर हम शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज़रूर आके इन्हीं की बोट पे यार बैठना ज़रूर से ज़रूर, ठीक है? ओके भैया थैंक यू।
तो खैर यार, क्योंकि अब हमें करनी है दूसरी नाव और उसके बाद फिर जो है उधर जाना है, वो पूरा घाट घुमाते हुए आपको लेके जाएंगे। उसके बाद फिर वहाँ से मणिकर्णिका से रिटर्न होके आपको दशाश्वमेध में 20 मिनट रुक के गंगा आरती दिखा के फिर वहाँ से वापस इधर लेकर आएंगे अस्सी घाट। तो जब तक के लिए वीडियो को यहीं पे ही करते हैं ये एंड। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गंगा आरती की।